नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई टी टेक्निकल मटेरियल का। आज आपके सामने चूल्हे पे जो हनी पैड वाला होता है, वो देख सकते हैं, वो जब इतना जाम हो जाता है तो उसको कैसे सर्विसिंग किया जाए। और क्योंकि अगर इतना जाम होने के बाद अगर आप इसको बदलवा रहे हैं तो इससे फास्ट खर्चा ज़्यादा आता है, लगभग 1500 से 1700 रुपये खर्चा आ जाता है। इसलिए इसको कुशलतापूर्वक सर्विसिंग करने का एक आइडिया है, आपके पास गन होना चाहिए, गन से आप सर्विस कर सकते हैं आसानी से। और आपको फ्रिज साफ करना है और कैसा दिखेगा, इस तरह ये इस तरह दिख रहा है, इसके बाद कैसा दिखेगा आपको बताएंगे, बने रहिए। आप देख सकते हैं, चल रहे आप देख सकते हैं, आपको अंतर दिख रहा है, अंतर देखिए, पूरी तरह से क्लीन हो जा रहा है, न्यू की तरह हो जाएगा फिर से, जिस तरह नया पैड आया था आप देख सकते हैं। बगैर खोले ही बने रहिए, चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं गंदगी कितना निकल रहा है, और ये पूरी तरह से देखिए क्लीन हो रहा है एकदम, बिल्कुल पहले के जैसा, नया के जैसा हो रहा है। तो बने रहिए, आगे दिखाते हैं और कैसे क्या सावधानी रखना है, इसमें किस बात का नोटिस पॉइंट रखना है, बने रहिए। तो ये हमारी सफाई पूरी तरह से हो चुकी है, देखिए एकदम बिल्कुल न्यू की तरह पहले की तरह हो गया है। पर इसमें कुछ सावधानियां हैं आपको जो विशेष रूप से बरतना है, वो है कि अगर जो आप गन से इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं तो गन का नोजल आप देख सकते हैं
फुहारेदार होना चाहिए, पतला नहीं। पतला होगा तो ये हनी पैड को फाड़ देगा। दूसरी बात, मोटर का जो सर्विसिंग हुआ है, खुला हुआ है एक आध बार, या ऐसा आपको लगता है इसमें पानी जा सकता है, तो इसको पन्नी से पैक कर लें, या तो आप सफाई से कर सकते हैं, तो पानी इतनी आसानी से मोटर में नहीं घुसता है। तो आप ऐसे ऊपर से आप पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे मार देने कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पानी नहीं घुसेगा। ये है, इसको कंप्लीट करने के बाद कम से कम एक घंटा इसको सूखने के लिए हवा में रख दें। पूरा इसका जो पानी जब सूख जाएगा, उसके बाद इसको पानी भरिए, इस्तेमाल कीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ये नए की तरह हो गया। कम से कम 1500 से 1700 रुपये का इसमें महा बचत हुआ है। और दोस्तों, ये हमारा आइडिया कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।